मिनट बात करनी है तो क्या मेरी बात रजत नायर जी से हो जाएगी? बताइए, आपसे दो मिनट मेरी बात हो सकती है? हाँ हाँ, प्लीज बोलिए। अच्छा सर, आपने अखबार में लगभग पिछले दिल्ली में 30 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटवा दिए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने। ये लिस्ट इलेक्शन कमीशन से बहुत मुश्किल से निकलवाई है, और जिन लोगों के नाम बीजेपी वालों ने कटवाए उसमें एक आपका नाम भी शामिल है। अच्छा, बीजेपी तो वालों ने मेरा नाम कटवा दिया? हाँ, दरअसल जिन लोगों के वोट कट गए ना, हम उन सभी लोगों को फोन कर बता रहे हैं, इसलिए आपको ही फोन किया बताने के लिए। धन्यवाद सर। अभी आप चिंता मत करिए, अभी आपको कुछ नहीं करना है। हाँ जी, दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आपके लिए लड़ रहे हैं, और वो आपका वोट फिर से जुड़वा रहे हैं, तो कुछ दिनों में हम आपको फिर से फोन करेंगे। अगर आपका वोट जुड़ गया तो भी हम आपको बता देंगे, और अगर नहीं जुड़ता तो भी हम आपको बता देंगे। वेबसाइट में मैं चेक करूँ जरा कि मेरा वोट कटा है कि नहीं कटा है? जी, मैं वेबसाइट पे चेक करूँ क्या? सर वेबसाइट पे आप क्या कर सकते हैं, पर वेबसाइट पे जो है ना, अभी उन्होंने पुरानी लिस्ट अपडेट कर रखी है, नई लिस्ट अपडेट नहीं करी है। अच्छा, ये लिस्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने निकल रही है, उसमें आपका नाम आया था। तो हमने ये कहाँ से निकलवाई है आपने? सर ये हमने नहीं निकलवाई, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री ने निकलवाई है, अरविंद केजरीवाल जी ने। आप उनके यहाँ से नहीं बोल रहे हैं? मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ से बोल रहा हूँ, आम आदमी पार्टी से बात कर रहा हूँ सर मैं। अच्छा, तो ये लिस्ट क्या उन्होंने आरटीआई से निकलवाई है, कैसे निकलवाई ये लिस्ट? सर ये इलेक्शन कमीशन से निकलवाई है उन्होंने। नहीं तो कैसे, कोई ना कोई प्रोसीजर होता होगा ना इसका? तो सर ये माफी चाहता हूँ, इसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये लिस्ट जो है ना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने निकलवाई थी। लिस्ट में आपका नाम आया था तो हमने इन्फॉर्मेशन देने के लिए सिर्फ आपको कॉल किया सर। अच्छा, उन्होंने अपने पर्सनल अपने नाम से करवाई है? जी, उन्होंने पर्सनली अपने नाम से निकलवाई है। सर माफी चाहता हूँ, हम इसकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे पाएंगे। ये तो मतलब वो है ना, संवैधानिक हक है सबका ना, वो तो आप मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से बात करते तो हमें पता चले, अच्छा हुआ आपने बता दिया। तो ये कैसे, ये कैसे लिस्ट निकली है? जी माफी चाहता हूँ सर, हम इसकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते हैं, हम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जो आपका नाम कट चुका है, उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने आपको जरा आप उसका प्रूफ भेज सकते हैं, फिर मैं अपना देखता हूँ, जो भी केस फाइल करना होगा करूँगा। जी सर, आप उसका प्रूफ भेज सकते हैं आप हमको? किस चीज का सर? कि मेरा नाम कट गया लिस्ट से? सर ये लिस्ट में आपका नाम आया है तो हमने इन्फॉर्मेशन देने के लिए सिर्फ आपको कॉल की। तो मैं अप्लाई तो कर ही सकता हूँ ना, कि मेरा नाम कट गया तो आप मुझे वो लिस्ट की कॉपी तो देंगे ही ना सर? जी अभी आप परेशान मत होइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आपके लिए लड़ रहे हैं, वो आपका वोट फिर से जुड़वा रहे हैं। नहीं नहीं, चिंता मत करिए, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ, मैं लड़ दूंगा, उनके लिए भी लड़ दूंगा मैं, चिंता मत करिए। अच्छा है ना, तो आप ये बता दीजिए आप मुझे प्रूफ देंगे? जी किस चीज का? ये कि लिस्ट में से नाम कट गया है, तो अगर इसमें किसी भाजपा ने गलती से या किसी षड्यंत्र के थ्रू कटवाया है तो मैं उनके खिलाफ केस करूंगा। तो प्रूफ देंगे? माफी चाहता हूँ। हाँ सर एक मिनट आप लाइन पर रहिए, मैं आपको कॉल डायवर्ट कर रहा हूँ इसमें।